आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यों को आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। आपने देखा है हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रही है। मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है। हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने की दिशा दिखा रहा है। नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय सदस्यगण, आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं जिससे ग्रीन जॉब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ सुथरे और सुविधा युक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है। विशेष रूप से छोटी शहरें और कस्बे में बीते 10 वर्षों से अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टीआर 2 टीआर 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची है। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी 2 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय
जल मार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफसा हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। आप तीसरी कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आवंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल ही में कृषि खेती सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सके। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सके। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78,000 रुपये तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा परिवार इन योजना में रजिस्टर कर चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं अब वहां बिजली का बिल जीरो हो गया है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में
सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं चार स्तंभों को दी जा रही है।